क्योंकि वहां पे जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी और नेताओं की भी, उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे, तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं उनकी अलग भूमिका है, और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे कि तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे पीसी के मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी एक मीटिंग बुला करके, रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी के मेंबरों को, वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करे, वहाँ मीटिंग करे, बातचीत करे, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वहाँ के MLA, SML, जिलाध्यक्ष, एक्स जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिला परिषद के, पंचायत समिति के, मेयर है वहाँ के, पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मन मुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, पर सबकी मनता एक है, चुनाव हमें जीतना है, सरकार हमें बनानी है, उस पर सबकी एक राय है। तो मीडिया को चाहिए कि अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं करें। मीडिया की भूमिका में देखी है, उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, उनकी न्यूज़ बनती नहीं है बगैर उसके, बगैर तड़का दिए न्यूज़ नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेकर है राजस्थान का चुनाव। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई, यहाँ प्रदेश वासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनके दिल के अंदर, वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो, वो आज भी दिलों में आग लगी हुई, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह जी को कमी नहीं रख रहे हैं, योजना है और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग बैठ करके, वो मिनिस्ट्री बैठ करके, हमें मालूम इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जेहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा, हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए, दुनिया में जाते हैं नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी, वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और उसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप सरकारों चुने हुई सरकारों गिरा रहे हो और